ओके वेलकम। तो आज की इस वीडियो में हमारे पास है एप्पल एयरपॉड्स जनरेशन 2 विद नॉइज कैंसिलेशन, जीपीएस एंड विद वर्किंग स्पीकर। अब ये सारे स्पेसिफिकेशंस, ये सारे फीचर्स मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली एयरपॉड्स 2 में तो ये सब सारे फीचर्स हैं। सो बेसिकली ये जो है ये ओरिजिनल एयरपॉड्स नहीं है, इसको आप क्लोन बोल सकते हो या फिर नेक्स्ट टू ओरिजिनल बोल सकते हो, क्योंकि यार जिस प्राइस रेंज पर ये आता है और जो जो फीचर्स इसके अंदर है उसे आप एकदम क्लोन तो नहीं बोल सकते, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे यार फीचर्स इसके अंदर आपको मिल जाते हैं। आपको एक वर्किंग स्पीकर मिल जाता है जैसे कि ओरिजिनल एयरपॉड्स में होता है, एंड आपको नॉइज कैंसिलेशन मिल जाता है, और साथ ही साथ आपको जीपीएस का भी सपोर्ट मिल जाता है, यानी कि आप अपने आईफोन वगैरह के थ्रू फाइंड माय डिवाइस में जाकर इसको ढूंढ सकते हो। तो इस वीडियो में करने वाले हैं इन्हीं एयरपॉड्स का रिव्यू, और आपको बताता हूं मेरा एक्सपीरियंस। लगभग मैं 4-5 दिन से यूज करता हूं, और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज आपको बता देता हूं कि ये जो प्रोडक्ट है, ये जो एयरपॉड्स है, मुझे एक सेलर ने भेजे। हां, ये मैंने परचेज नहीं करे, मतलब बेसिकली आप बोल सकते हो रिव्यू पर्पस के लिए मेरे पास आए हुए हैं। एंड इसी के साथ एक और चीज क्लियर करता हूं कि रिव्यू के लिए आए हैं इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इनकी तारीफ करने वाला हूं या फिर अच्छे ही बताने वाला हूं। तो नाउ इस वीडियो में हम इन एयरपॉड्स का रिव्यू करने वाले हैं, एंड कैसा रहा मेरा एक्सपीरियंस इन एयरपॉड्स जनरेशन 2 के साथ। और स्टार्टिंग में आपको बता देता हूँ कि ऐसा नहीं है कि एयरपॉड्स है तो सिर्फ एप्पल के साथ ही काम करेगा, ये एंड्रॉइड के साथ भी आप कनेक्ट कर सकते हो। चलो ओवरव्यू से ट्राई करते हैं। सबसे पहले तो आपको जो फुल केस है सेम एज ओरिजिनल देखने को मिल जाता है। पीछे की साइड आपको एक बटन मिल जाएगा, नीचे देखें तो वही लाइटनिंग कोर्ड चार्जिंग के लिए है, और यहाँ पर एक स्पीकर ग्रिल टाइप का दे रखा है, और एक्चुअल में स्पीकर काम करता है। मैंने ट्राई किया, मैं दिखाता हूँ आपको सारे यूज वगैरह। एंड एक और यहाँ पर एक तरीके से होल टाइप है, मेरे हिसाब से माइक का होगा, बट वो उसमें वर्किंग नहीं है, ठीक है। और सामने आपको एक इंडिकेटिंग लाइट मिल जाती है जो कि ग्रीन कलर की, एंड सिंपल पीछे अगर आप देखोगे तो वही डिजाइन एप्पल इन कैलिफोर्निया वगैरह बाकी सारी चीजें वगैरह लिखी हुई हैं। एंड बॉक्स को ओपन करने के बाद ऊपर के साइड भी ना आपको कुछ डिटेल्स मेंशन हो जाते हैं, जैसे बहुत ही माइनर और स्मॉल टेक्स्ट में जो डिटेल्स वगैरह होती हैं वो लिखी हुई हैं, जिससे लाइक वो एकदम ओरिजिनल फील देता है। तो आपको एक चीज बताता हूं कि iOS 16 में एक फीचर है, जब आप किसी क्लोन या फिर डुप्लीकेट एयरपॉड्स को, जो कि काफी सारे मिल जाते हैं मार्केट में आपको 400-500 रुपए में या फिर 1000-1200 रुपए में, और वहां पर जब भी मैं एक क्लोन एयरपॉड्स को अगर कनेक्ट करने का ट्राई करता हूं, तो iOS 16 में एक फीचर है कि वो पहले डिटेक्ट कर लेता है, जहां पर वो बताता है कि ये जो एयरपॉड है वो एक जेन्युइन एयरपॉड नहीं है, और उसको फिर जो एक प्रोसेस होता है ना उस तरीके से आप कनेक्ट नहीं कर सकते। आपको ब्लूटूथ सेटिंग्स में जाकर वहां पर आपको वो डिवाइस सर्च करना पड़ता है, वहां से जाकर आप कनेक्ट करते हो। बट यार इसके साथ ऐसा नहीं है, जैसे ही आप इसकी जो कैप है इसको ओपन करोगे आपके आईफोन में पॉपअप आ जाएगा सीधे ही इसको कनेक्ट करने का, और कहीं पर भी ऐसा मैसेज नहीं आता है कि जेन्युइन नहीं है या फिर ओरिजिनल नहीं है, कहीं पर भी ऐसा नहीं आता। तो ये चीज मेरे को बेस्ट चीज लगी। तो मतलब अगर आप इसे अपने आईफोन के साथ यूज कर रहे हो तो आपको ऐसा तो कहीं से नहीं लगेगा कि भाई आप जेन्युइन एयरपॉड नहीं है, या फिर आप कनेक्ट करोगे तो आपको कहीं पर भी मैसेज नहीं आएगा भाई जेन्युइन नहीं है, एकदम सेम एज ओरिजिनल कनेक्ट हो जाता है। एंड उसके बाद बात करें नॉइस कैंसिलेशन की, क्योंकि इसमें नॉइस कैंसिलेशन मिलता है, और लिटरली नॉइस कैंसिलेशन काफी अच्छी तरीके से काम करता है। लाइक जैसे ओरिजिनल में जो मोड्स होते हैं नॉइस कैंसिलेशन को बंद या चालू करने का, ट्रांसपेरेंसी मोड, वो सारे मोड इसमें आप कर सकते हो, और सारे मोड अच्छे से काम करते हैं। देखो ये एक ऐसा प्रोडक्ट है, मतलब ईयरफोन या फिर ईयरबड्स रिव्यू करना और इसके बारे में बताना एक ऐसी चीज है, मतलब इसको ना मैं आपको बोल के ही समझा सकता हूं जो मैंने एक्सपीरियंस किया, क्योंकि ये ईयरफोन है, इसको मैं माइक के थ्रू या कैमरे के थ्रू साउंड क्वालिटी या फिर वो सब चेक मैं नहीं करा सकता। तो जो मैंने एक्सपीरियंस किया उसके बेसिस पे ही मैं बता देता हूँ। देखो क्योंकि कनेक्टिविटी के साथ जो इसमें नॉइस कैंसिलेशन वगैरह वो तो काफी अच्छी तरीके से काम करता ही करता है। बॉक्स के अंदर जो स्पीकर है जेन्युइनली काम करता है, जब आप उसको चार्जिंग पे लगाओगे तब आपको एक बीप देगा। अगर आप फाइंड माई डिवाइस में जाते हो और वहां पर एयरपॉड्स को जाकर सेलेक्ट करके अगर फाइंड करते हो तो आपको एक्चुअल में लोकेशन ये बता दे, क्योंकि जीपीएस भी है इस केस के अंदर, और साथ ही में जब आप साउंड प्ले करते हो तो ये इसके अंदर से साउंड आती है, लाइक ऐसे रिंगटोन टाइप का बजने लगता है, ताकि अगर आपका यहीं कहीं रख के भूल गए हो तो आपको पता चल जाए कि आपका केस कहाँ है। तो सही में ये जो चीज है लिटरली इंप्रेसिव है, क्योंकि ये फीचर्स तो आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा इस बजट के अंदर। ये तो ऑब्वियसली चीज है कि अगर आपके पास आईफोन है तभी आप इस फीचर को एक्सेस कर पाओगे, मतलब बजाने वाला या फिर जो जीपीएस से ट्रैक करने वाला, क्योंकि एंड्रॉइड के साथ तो शायद ये काम करेगा। बैटरी बैकअप की बात करूं तो चार्ज करने के बाद अगर आप नॉर्मल यूज करोगे तो आपको 2-3 दिन दे देगा, यानी कि अगर लगातार घंटों में बात करूं तो 7-8 घंटे फुल चार्ज करने के बाद आप इसको यूज कर सकते हो चालू करके। इसके साथ ही ना आपको थोड़ा सा साउंड क्वालिटी का आइडिया देता हूं किस हिसाब से साउंड क्वालिटी है, क्योंकि अब ये चीज मैं आपको कैमरा या फिर माइक के थ्रू तो नहीं दिखा सकता। साउंड क्वालिटी की बात करूं तो देखो जितने भी आपके 1500-1600 के आसपास के जितने भी ईयरफोन्स वगैरह आते हैं उनमें जैसी साउंड क्वालिटी और बेस वगैरह होता है उससे स्लाइटर बेटर आपको बेस और साउंड क्वालिटी थोड़ी सी मिल जाएगी। मतलब 1500-1600 के आसपास जितने भी ईयरफोन्स वगैरह उनकी साउंड क्वालिटी से आप इसको बराबर मान सकते हो, लेकिन इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा बेस मुझे लगा। मेरे पास ये नेकबैंड है एक OnePlus का, इसकी जो साउंड क्वालिटी है इससे थोड़ा सा बेटर मुझे लगा इसकी साउंड क्वालिटी। बाकी इसका प्राइस आप चेक कर सकते हो, 1800-1900 के आसपास है। इसमें नॉइस कैंसिलेशन नहीं है लेकिन इसके अंदर नॉइस कैंसिलेशन है, और नॉइस कैंसिलेशन सही में काफी अच्छी तरीके से काम करती है।
है, मैं जिम में था, जिम में मैंने ट्राई करा, मैंने तो ट्राई कराया, मैंने अपने फ्रेंड को दिया, मैंने उसको एक्सपीरियंस कराने के लिए कि कैसा नॉइस कैंसिलेशन है, तो कुछ इस तरीके से उसका रिएक्शन था। तो ये तभी क्लिप है और तब मैंने जिम में उससे ट्राई करवाया था एंड लिटरली मैंने खुद ट्राई किया, नॉइस कैंसिलेशन काफी अच्छी से बात करता है, अच्छे से काम करता है। और इस चीज में तो आपको मेरे पे बिलीव करना पड़ेगा क्योंकि इस चीज को मैं बाय प्रैक्टिकली बाय कैमरा और बाय ईयरफोन बाय माइक आपको नहीं दिखा सकता हूँ, ठीक है। तो बाकी देखो ये तो रही कुछ अच्छी चीजें, इसके साथ कुछ चीजें मुझे इसमें खराब भी लगी और कुछ ऐसे ड्रॉबैक भी लगे। सबसे पहले तो चीजें देखो, अगर आप नॉर्मल ईयरफोन्स को लगा के रखते हो और आपने सॉन्ग्स प्ले नहीं कर रखे हैं, ठीक है, और आपने नॉइस कैंसिलेशन चालू करके अपने कानों में इसको लगा के रखा है सिर्फ बाहर की नॉइस को अवॉइड करने के लिए, तो आई थिंक 3 से 4 या 5 मिनट बाद, वो टाइम का मेरे अप्रॉक्स आइडिया नहीं है, बट थोड़ी देर बाद ही ना ये बहुत तेज बीप करने लगते हैं आपके कानों में। अब ये मेरे को नहीं पता है कि ये एक डिफेक्टिव पीस मेरे पास आया है या फिर जेन्युइनली इसके साथ प्रॉब्लम है, बट अगर आप गाने नहीं सुन रहे हो, अपने सॉन्ग्स प्ले नहीं कर रखे हैं और आपने अपने कानों में से लगा रखा है नॉइस कैंसिलेशन को एक्टिव करके, तो ये बहुत तेज बीप करेगा और जब तक आप नॉइस कैंसिलेशन को बंद नहीं करते हो अपने फोन से या फिर इसको डिस्कनेक्ट नहीं करते हो तब तक ये बीप करना बंद नहीं करेगा। तो ये मुझे थोड़ा सा इरिटेटिंग लगा और मेरे को नहीं पता है कि ये इसकी प्रॉब्लम है या फिर इस पर्टिकुलर जो पीस है मेरे पास इसकी प्रॉब्लम है या फिर सभी में ऐसा प्रॉब्लम है। बाकी मैंने जब उनसे बात करी उन्होंने यही कहा कि शायद वो पीस डिफेक्टिव होगा या फिर जो उनके पास बाकी का माल है उसमें प्रॉब्लम नहीं है, सो ये चीज आप कंसिडर करके चलना। और उसके बाद मैं एक और चीज बताता हूँ कि केस की क्वालिटी है ना उतनी कुछ खास प्रीमियम नहीं है, लाइक मैं 3-4 दिन से यूज कर रहा हूँ, इस पर काफी ज्यादा माइनस स्क्रैचेस वगैरह मतलब नोटिसेबल स्क्रैचेस वगैरह मेरे को देखने को मिल गए। तो अगर आपको ये चीज मंगाना है तो आप इसको एक केस के साथ मंगाना। तो फाइनली सभी चीजों को बताने के बाद अब आपको थोड़ा सा प्राइसिंग की बात कर लेता हूँ कि किस प्राइस पर ये आपको मिल जाएगा। तो ये मुझे एक इंस्टाग्राम सेलर ने भेजा है, इसकी जो प्राइस है वो है 1799 यानी कि 1800 रुपए में आपको मिलेगा प्लस शिपिंग, वो आप उनसे एक बार जाके बात कर लेना शिपिंग का क्या सीन है। तो अगर आपको ये एयरपॉड्स लेने हैं तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में उनके इंस्टाग्राम हैंडल की और व्हाट्सएप जो कॉन्टेक्ट है वो दे रखा है, आप सिंपली वहां पर जाकर उन्हें कॉन्टेक्ट कर सकते हो और 1800-1900 के आसपास ये एयरपॉड्स मिल जाएंगे। अब ये तो रही प्राइसिंग की और कहां से खरीदना है कैसे खरीदना है, फाइनल मैं आपको एक बार रिव्यू देता हूं कि क्या आपको इस प्रोडक्ट को खरीदना चाहिए या फिर नहीं खरीदना चाहिए। तो देखो ये एक रियलिटी है कि एप्पल के सारे प्रोडक्ट्स लोग 60% तो दिखावे के लिए खरीदते हैं, बट दिखावे से भी हटकर हम अगर जेन्युइन वे में बात करें साउंड क्वालिटी से लेकर या फिर बाकी फीचर से लेकर, तो डेफिनेटली अगर आपको कोई ईयरफोन चाहिए एक बढ़िया साउंड क्वालिटी के साथ 1800-1900 का 2000 से नीचे का आपको बजट है, डेफिनेटली आप इसके लिए जा सकते हो। और अगर आपने मेरी तरह 10-15 साल की EMI पे आईफोन ले रखा है तब तो आप डेफिनेटली आप इसको ले सकते हो। अब मैं पर्सनली इसको यूज करने वाला हूँ मेरे आईफोन के साथ क्योंकि किसी को पता ही नहीं चलेगा भाई कि हमने ओरिजिनल ले रखा है या फिर क्लोन ले रखा है, ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है, ठीक है। तो मैं तो डेफिनेटली इसको यूज करूंगा। अगर आप भी अगर आईफोन के साथ से परचेज करना चाहते हो तो परचेज कर सकते हो, मैंने सारे फीचर्स वगैरह आपको बता दिए, बट स्टिल अगर आपको इसके बारे में कोई क्वेश्चन पूछना है, कुछ डाउट है किसी फीचर से रिगार्डिंग या फिर किसी तरह, तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, इंस्टाग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को दबा देना यार, क्योंकि बहुत जल्दी हम 10,000 सब्सक्राइबर्स को टच करने वाले हैं। तो बस यार आज की वीडियो इतना ही, मिलते हैं आपसे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।